पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कवि सोचता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो, मन में सोच रहा है आई एक्सक्लेम्ड, मन में बहुत गुस्सा होना उसको एक्सक्लेम्ड या जोर जोर से चिल्लाने को भी एक्सक्लेम्ड कहते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं ना उसको एक्सक्लेम कहा जाता है। मुझे गुस्सा आया, मन में सोचा मुझे उन्हें जाने दो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरा एक दोस्त है जो मेरे पास रहता है हमेशा, टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो ही मुझे ऊपर उठाएगा, परिस्थितियों में आगे ले जाएगा और ऊपर उठाएगा, और एड मी मतलब हेल्प करेगा, वॉट एवर बेटाइड मतलब जो भी परिस्थितियाँ मेरे सामने घटित हो रही, बिटाइड का मतलब घटित घटना घटित हो रही है, उसमें मुझे आगे ले जाएगा ऊपर ले जाएगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड मतलब किसी के ऊपर विश्वास करना किसी दुनिया को मिट्टी के ऊपर बनाने जैसा है, मतलब किसी मिट्टी पर बनाई गई चीज़ ज़्यादा समय नहीं टिकती, वो धस ही जाती है। उसी तरीके से किसी चीज़ को जो है वर्ल्ड का बनाना मिट्टी के ऊपर, तो वो विश्वास के बराबर माना गया, यानी विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, हमेशा टूट ही जाता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हीवन, मैं विश्वास करूंगा लेकिन हीवन यानी यहाँ पे हीवन को गॉड से यूज़ किया गया, भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे हाथ पर मैं विश्वास करूंगा, मेरे हाथ के ऊपर विश्वास करूंगा मतलब मैं मेहनत करूंगा। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। माई करेज रिसीव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, मुझे वापस हिम्मत आ गई, करेज रिसीव्ड का मतलब मुझे वापस साहस आ गया मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, मेरी दुर्भाग्य था मैं उस परिस्थितियों में फंसा था तो भी मुझ में साहस आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, यहाँ पर लाइट का मतलब खुशी से है, मेरा हाथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बना, मेरा हाथ उतना ही मजबूत बना जैसे कि मेरी आत्मा थी वो खुश थी, मतलब मन में खुद के मेहनत के लिए सोच रहा था और खुश हो रहा था उस खुशी में, मतलब हाथ बहुत मजबूत, मतलब एक जगह पे बता रहा है कि मेरा हाथ उतना ही मजबूत हो गया था जितनी मेरे मन में खुशी थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसने मुझे बुरी परिस्थितियों से मुझे बाहर लाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, मुझे दर्द यानी दुख से मुझे बाहर लाया। इट फेड मी, उसी हाथ ने मुझे खाना खिलाया, उसी हाथ ने, एंड क्लैडमी का मतलब वस्त्रों से ढकना, कपड़े पहनाना, कपड़े वगैरह उपलब्ध करवाए किसने, उसी हाथ ने, मतलब ये मेहनत करता रहा उससे दुखों से भी बाहर आ गया, खाना भी मिला, कपड़े भी मिले, अगेन एंड अगेन हमेशा के लिए। अगली तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, द फ्रेंड हु लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन, मतलब जो दोस्त मुझे परिस्थितियों में छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र मतलब ऐसे एडवाइज़र जो क्या था, चले गए थे, खो गए थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वापस चमकने लगे, मींस वापस आ गए जैसे सूरज चमक रहा हो। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, सबको पता चल गया कि अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक द, मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट द, मैं विश्वास भी करता हूँ माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे राइट हैंड के ऊपर। इस कहानी से, इस पूरी कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार एक पुरानी कविता भी थी, ऐसे दोस्त जो किसी परिस्थिति में काम आए वही सच्चे दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के लिए इंग्लिश में कहा गया है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो हमेशा वही दोस्त सच्चा दोस्त होता है जो हमेशा अपनी परिस्थिति में काम आता है। आज का लेसन अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।